वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने रहीम यार खान में कौमी सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब के दौरान बीमारों के इलाज का जिक्र किया और इस दौरान वो उनकी मुश्किलात पर आप दीदा हो गए। इस पर रद्दे अमल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का ये आया कि नवाज शरीफ को रोना गरीबों पर नहीं बल्कि पैनामा लीक्स पर आया है। तो एक जानिब मियाँ नवाज शरीफ जो कि रहीम यार खान में मौजूद के दौरान वो जब खिताब कर रहे थे तो जहां पर गरीबों की मुश्किलात का, उनकी बीमारियों का, उनके इलाज का जिक्र आया तो इस दौरान वो आप दीदा हो गए। जब इस पर रद्दे अमल इमरान खान से लिया गया तो इमरान खान का यह कहना था कि इतने सालों से रोना नहीं आया, अब अगर रोना आया है तो ये अस्पतालों की सूरत हाल पर नहीं बल्कि पैनामा लीक्स पर आया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने क्या बातें की और इस दौरान वो क्यों कर आप दीदा हो गए, आपको दिखाते हैं। कोई मजदूरी करता है सुबह से रात तक, 200-300 रुपए रोजाना कमाता है, अब इसमें वो अपने बच्चों का पेट पालेगा या किसी खुदा ना खास्ता अपने घर के फर्द का इलाज करवाएगा? ये सब चीजें बड़ी सोचने वाली हैं और हुक्मरानों के लिए खास तौर पर सोचने वाली चीजें हैं। ये सबसे पहले आगे जाके इसी चीज का तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तकरीब से खिताब के दौरान आप दीदा हो गए, गरीबों के इलाज की उनकी मुश्किलात की बात हो रही थी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इमरान खान जब बनीगाला में मीडिया से बात कर रहे थे तो एक सहाफी के सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया कि इतने सालों बाद अगर उन्हें रोना आया है, नवाज शरीफ अगर रोए हैं तो ये हस्पतालों की हालत इजहार पर नहीं बल्कि पैनामा लीक्स पर उनकी आंखों में आंसू आए हैं। इमरान खान का क्या कहना था आपको वो भी दिखाते हैं। ये रोना अगर 8 साल के बाद इनको रोना आया है कि जनाब हस्पताल ठीक नहीं काम कर रहा है, तो ये रोना हस्पतालों की ना होने की वजह से नहीं है, ये रोना पैनामा का रोना है, ये रोना पकड़े जाने का रोना है। और अभी भी टाइम है, नवाज शरीफ अपने आप को एहतसाब के सामने पेश कर दो, लेकिन आगे जब यह अवाम का समुंदर आ जाएगा फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इमरान खान का रद्द अमल के इतने सालों बाद अगर रोना आया है तो इस पर नहीं कि अस्पताल सही काम नहीं कर रहे बल्कि ये पैनामा पर रोना आया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गरीबों की मुश्किलात का जिक्र किया था तो वो आप दीदा हो गए थे, जिस पर इमरान खान का ये रद्द अमल आया।